आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक पेशेंट के बारे में मैं आपको केस स्टडी बताने वाला हूँ। वो इसलिए आया, अप्रोक्सीमेटली 25 साल का लड़का है, काफ़ी दूर से आया, और वो इसलिए आया कि उसको बार बार वॉमिटिंग होते हैं। सब तरह की इलाज करके देखे, सब इन्वेस्टिगेशन किए, सब जाँच पड़ताल किया, मगर वो कुछ उसमें निकल नहीं रहा है। उसको ऐसा लगता है कि मैं खाऊँ तो उल्टी हो जाएंगी, खाता भी है वो और उल्टी कर देता है। फिर मैंने उसको पूछा, भाई आपका वजन कम हुआ क्या? तो वजन कम हुआ नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ पचन तो हो ही रहा है, मगर उसको ऐसा डर बैठा हुआ कि मैं खाऊंगा उल्टी करूंगा। फिर उसने राइल्स ट्यूब डाल के, मतलब नली पेट में डाल के डायरेक्टली दूध या फिर लिक्विड फूड वगैरह ऐसा देने की कोशिश किया, तो उसमें उसको वॉमिटिंग होता नहीं था। अभी ऐसा है कि उसको सारी दवाई दे दी, पेट की दवाई दे दिया, मेंटल की दवाई दे दी, और कुछ हो नहीं रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर मैंने उसको बोला, ठीक है हरकत नहीं, हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है। जब उसके साथ में मैंने सेटिंग किया तो मुझे पता चला कि उसके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ें थी, या मतलब जिसका परिणाम हुआ था कि जिसके वजह से वो बाहर चीज़ें निकाल नहीं रहा था। अब वो दिमाग में कोई चीज़ बैठी हुई है और वो बाहर निकाल नहीं रहा है, तो फिर उसको प्रॉब्लम उसमें आ रहा है कि भाई वो बाहर निकालना नहीं है, मतलब किससे बातचीत नहीं करना है, और फिर वो बाहर कैसे निकलेंगी? तो वो फूड के माध्यम, मतलब वोमिटिंग के माध्यम से बाहर निकल रही। ये एक सिम्बॉल है, सिम्बॉलिक, वो मतलब बाहर निकाल रहा है। इमोशनल वेंटिलेशन जो है वो न होते हुए ये वॉमिटिंग होकर बाहर निकल रहा है। तो मैंने उसको पूछा, भाई क्या हो गया, क्या कारण है? नहीं, उसने बोला कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी। और फिर बाद में मालूम पड़ा कि उसने प्राइमल सीन देखा हुआ था। प्राइमल सीन्स का मतलब ऐसा होता है कि माँ बाप का सेक्स करते हुए देखना बचपन में। और वो फिर उसको एक दो बार मालूम पड़ा कि कुछ तो भी गड़बड़ है, इसलिए उसने फिर चुपचाप रह गया। कुछ तो भी वो कर रहे थे, छोटा था, मालूम नहीं था क्या कर रहे थे। और बाद में फिर उसके एक बार देखने के बाद में वो काफ़ी बार इंतज़ार करता था कि वो कब चालू करेंगे आज रात को, और उसको पता लगता नहीं था कि ये सेक्स है। मगर कुछ तो भी करते हैं और एक साथ आते रहते हैं, कभी अलग कमरे में जाते हैं, कभी वही कमरे में करते हैं। अभी लुकिंग बैक, जब उसको होश आवास आया, जब उसको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुई, मालूम पड़ा कि ये सेक्स कर रहे थे। अभी ये किसी को उसने बताया नहीं था, किसी को नहीं, और वो दिमाग में था, और उसकी वजह से उसको वॉमिटिंग हो रहा था। उसका लिंक जब लग गया, उसको मैंने साइकोथेरेपी के माध्यम से काफ़ी उसको उल्टियां करने लगाई, मतलब मानसिक उल्टियां। और मानसिक उल्टी जब उसने किया कि जो भी हुआ वो हुआ, और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसको गिल्ट फीलिंग लग रहा था कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बोला, क्या आप आपको माफ़ कर सकते हो? उसको माफ़ कर दो, जो भी गलती आपसे हुई ऐसा आपको लगता है, वैसा कुछ गलत है नहीं, मगर गलती है तो माफ़ कर दो और देखो क्या संभव है। तो जब होने के बाद में उसने बोला, ठीक है, उसको थोड़ा रिलैक्सेशन की भी मेडिसिन मैंने दिया। कुछ दिन बाद में वो आया कि अभी मैं ठीक हो गया हूँ। तो होता है कि जब मानसिक उल्टियाँ आदमी नहीं कर सकता, तो वो शारीरिक उल्टियाँ करता है, और दिमाग में ऐसी कोई चीज़ें दबी हुई है तो ऐसी बाहर आती है। और इसका इलाज साइकोथेरेपी है, हिप्नोटिज्म है, सम्मोहन उपचार है, और वहाँ से लोग अच्छे हो सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।